तो हाइड्रोफोनिक की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वाई हाइड्रोफोनिक्स या फिर हाइड्रोफोनिक्स हमें क्यों करना चाहिए, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, अब हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, लेबर हो गया, लैंड हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, फर्टिलाइजर हो गया, वाटर हो गया। तो चलिए बात करते हैं जो अलग अलग इश्यूज या फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स या फिर हम लोग कहेंगे अलग अलग समस्याएं जो हम फेस करते हैं एक एग्रीकल्चर में, और वर्टिकल फार्मिंग या फिर हाइड्रोफोनिक उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करता है। हमारे सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पहला है क्लाइमेट। हाइड्रोफोनिक जो है वो पॉलीहाउस के अंदर इजीली किया जा सकता है, और जो हमें क्लाइमेट प्रूफ एग्रीकल्चर या फिर जो जिसके ऊपर बाहर का वातावरण कोई भी हो, भले बाहर बारिश हो रही हो, बाहर भले बाहर कोहरा हो, ठंड हो या गर्मी हो, किसी भी प्रकार की जो वातावरण में जो भी बदलाव होते हैं उनका इस प्रकार की खेती पर किसी प्रकार का डायरेक्ट चेंज या फिर डायरेक्ट इफेक्ट जो बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट परिणाम जो होता है वो इसके ऊपर नहीं होता है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग का, अगर हम इसे प्रोटेक्टेड कल्चर या प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में अगर हम इसे करते हैं या पॉलीहाउस फार्मिंग में अगर हम इसे करते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। हम 12 ही महीने, हम लोग 365 डेज 365 दिन हम एक ही क्वालिटी का खाना रेस्टोरेंट्स को या फिर हमारे वेंडर्स को या फिर अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं हाइड्रोफोनिक की मदद से। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में हाइड्रोफोनिक यहाँ पे काफ़ी तरह से अलग हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है लेबर। अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं तो हमें मिट्टी पर बहुत प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ती है, हमें लैंड लेवलिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर जो भी तन आता है हमें वो तन निकालना पड़ता है, हमें बहुत सारी अलग 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 प्रोसेस करनी पड़ती है मिट्टी के ऊपर, ताकि वह एक उपजाऊ ज़मीन उस प्रकार की हमें मिले और जिसके ऊपर हम लोग कंटिन्यूस प्रोडक्शन ले पाए। लेकिन हाइड्रोफोनिक में इस प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जो लेबर रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रकार की लेबर से फिर जिस प्रकार के कामगारों की हमें ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोफोनिक फार्म चलाने के लिए, वो एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जहाँ पे हम लोग अभी अपना फार्म रन कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में हमें जहाँ पे 3 या 4 लोगों की ज़रूरत है, वो फार्म हमारा एक लेबर हाइड्रोफोनिक के लिए आराम से मैनेज करता है, ज़्यादा किसी झंझट को न संभाले हुए। अभी तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, लैंड। धीरे धीरे लैंड इंडिया में डिप्रिशिएट हो रहा है। अगर हम देखेंगे कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है एग्रीकल्चर लैंड की, हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम जो ग्रास लैंड है या फिर जो घास वाली ज़मीन है हम उसे क्लियर करते हैं, या फिर हम जंगल काट देते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन हमारे पास आज की डेट में तो अवेलेबल नहीं है कि हम लैंड की जो लैंड एरिया है जो हम बढ़ा पाए। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो आज हम 7.5 बिलियन की पॉपुलेशन है और धीरे धीरे हम लोग 9 बिलियन पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अगले 30 सालों में हम लोग की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पिछले 3000 सालों में हमने जितना खाना उगाया था उतना खाना हमें अगले 30 सालों में ग्रो करना पड़ेगा, और लैंड मास धीरे 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 कम हो रहा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इश्यूज हम इस तरह से फेस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लैंड, बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है वो धीरे 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 उसकी उपजाऊ क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, तो उसकी वजह से हमें उतना ज़्यादा प्रोडक्शन उसके ऊपर मिल नहीं रहा है। अगर हमें उसके ऊपर प्रोडक्शन लेना है तो हम काफ़ी ज़्यादा रासायनिक खादों के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं उस प्रकार का प्रोडक्शन उससे लेने के लिए। तो हाइड्रोफोनिक ये समस्या हमारी सॉल्व करता है। जैसे हम वर्टिकल फार्मिंग में जाते हैं तो हमारी लैंड की जितनी भी साइज है या फिर लैंड की जो भी रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी मात्रा में हमारी कम हो जाती है। वर्टिकल फार्मिंग के हमें और एक एडिशनल बेनिफिट जो मिलता है, इसको हम लोग मैट्रिक्स फार्मिंग भी कहते हैं। मैट्रिक्स फार्मिंग की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा डेंस जो हम लोग बोलते हैं डेंस एग्रीकल्चर हम लोग बहुत ही कम स्पेस में कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर में अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में अगर 1 स्क्वायर फीट एरिया में अगर हम 3 महीने के पीरियड में अगर हम 5 किलो का प्रोडक्शन ले सकते हैं किसी भी वेजिटेबल का, अगर हम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यूज़ करते हैं तो उसी 1 स्क्वायर फुट एरिया में हम लोग लगभग 40 से 50 किलो का हम लोग प्रोडक्शन ले सकते हैं। मतलब लगभग 7 से 8 गुना या कभी कभी 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यूज़ करके ले सकते हैं प्रोडक्शन। तो ये सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हमें मिलता है लैंड बेनिफिट हमको हाइड्रोपोनिक में मिलता है। नौ चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। हाइड्रोफोनिक का जो भी प्रोड्यूस होता है वो कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी जो बीज हम लोग यूज़ करते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, जो भी फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, उनका जो ग्रोइंग जो उनका बढ़ने का जो वातावरण क्रिएट किया जाता है या फिर जो क्लाइमेट क्रिएट किया जाता है इन पौधों को बढ़ने के लिए वो भी कंसिस्टेंट होता है। इसके वजह से जो भी एंड प्रोडक्ट हमें जो मिलता है, जो फाइनल प्रोड्यूस हमें मिलता है, वो भी काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी की बात अगर हम करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो एडेड एडवांटेज मिलता है कंसिस्टेंसी में वो हमें मिलता है रेस्टोरेंट्स की तरफ से। जैसे हम रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक फार्मर है, किसान है, जो एक रेस्टोरेंट को सप्लाई कर रहा है लेट्यूस या फिर बात करते हैं बेसिल की, अगर वो बेसिल सप्लाई कर रहा है तो जैसे बाहर का वातावरण जैसे चेंज है, जैसे कि गर्मी के सीजन में जो उसके पास लेट्यूस जो आता है वो काफ़ी हद तक पीला हो गया होता है, बारिश के सीजन में जो भी लेट्यूस आता है उसकी पत्तियाँ जो होती है बहुत ही छोटी होती है, या विंटर के सीजन में जो भी बेसिल होता है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट में होता है, उसकी ग्रो क्वालिटी
बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन रेस्टोरेंट जो सप्लाई करता है अपने प्लांट्स या फिर जो फूड या फिर जो भी पिज्ज़ा हो गया बर्गर हो गया वो जब कस्टमर को सप्लाई करता है, वो कस्टमर को ये चीज़ तो नहीं बता सकता कि अच्छा गर्मियों में मेरा पिज़्ज़ा कुछ अलग प्रकार से दिखता है या कुछ अलग प्रकार से वो टेस्ट करता है, गर्मी में मेरा पिज़्ज़ा कुछ अलग प्रकार से दिखता है। ये रीज़न रेस्टोरेंट तो आगे कस्टमर को सप्लाई नहीं कर सकते। तो रेस्टोरेंट्स हमेशा इस प्रकार के फार्मर्स को चूज़ करने की कोशिश करते हैं जो हमको कंसिस्टेंट क्वालिटी का सप्लाई दे सकते हैं। तो उनके पास बचते हैं दो ऑप्शन, आइधर वो इस फार्मर की तरफ जाते हैं जो पॉलीहाउस एग्रीकल्चर करता है, जो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर करता है, जो कि काफ़ी कंसिस्टेंसी में काफ़ी सेम मात्रा में हमको वेजिटेबल सप्लाई कर सकता है, या फिर वो चूज़ करता है हाइड्रोफोनिक फार्मर, क्योंकि हाइड्रोफोनिक फार्मर भी अगर प्रोटेक्टेड कल्चर में या प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में अगर खेती कर रहा है तो भी कंसिस्टेंट सप्लाई दे सकता है। तो ट्रेडिशनल फार्मर की तरफ जो भी जो डिसएडवांटेज होते हैं, ये डिसएडवांटेज हाइड्रोफोनिक कंप्लीटली रिमूव कर देता है। इसलिए हाइड्रोफोनिक का वापर या फिर इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है रेस्टोरेंट तरफ या फिर इस इंडस्ट्री की तरफ, जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होगी, जो इंडस्ट्री कंसिस्टेंट क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी फर्टिलाइजर। अगर हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग और हाइड्रोफोनिक की बात करते हैं तो हाइड्रोफोनिक में लगने वाली फर्टिलाइजर की मात्रा बहुत ही कम होती है, ये लगभग कभी कभी ये 8 से 9 गुना तक कम होती है। हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। हमने 50 किलो बेसिल पर डे प्रोडक्शन के लिए हमने एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लैंड और हमने हाइड्रोफोनिक, इन दो ऑप्शन के ऊपर हमने एक डिटेल रिसर्च स्टडी किया था। हमने वहाँ पे पाया कि एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लैंड पे हमें लगभग 200 से 250 किलो फर्टिलाइजर की जरूरत है, जो कि काम हाइड्रोफोनिक फार्म सिर्फ 3 या 4 किलो में कर देता है। तो फर्टिलाइजर की कॉस्ट होती है उसके ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा पैसा बचा लेते हैं। उससे अलावा एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें जो फर्टिलाइजर सेगमेंट में मिलता है, देर इज़ ज़ीरो रन ऑफ हमें जिसे कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि फर्टिलाइजर वाटर जो हम लोग जो भी यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, वो धीरे धीरे ज़मीन में चला जाता है और धीरे धीरे वो पीने के पानी में मिक्स हो जाता है। वही पीने का पानी धीरे धीरे हमारे पीने के इस्तेमाल में आ जाता है और वो फर्टिलाइजर की मात्रा हमारे ह्यूमन कंजम्पशन में आ जाती है। हाइड्रोफोनिक में हम लोग वाटर रीयूज़ करने की वजह से इसका जो रन ऑफ होता है वो काफ़ी कम होता है या फिर ज़ीरो के बराबर होता है। इस ज़ीरो के बराबर का रन ऑफ हमें और एक एडवांटेज देता है कि वाटर पोल्यूशन से ये खेती बहुत ही ज़्यादा बचा लेती है, अपना जो भी रन ऑफ होता है, जो फर्टिलाइजर पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं उसको बचा लेती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारी आती है पानी। बहुत सारे रीजन में हाइड्रोफोनिक इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वाटर स्केयरसिटी है। अगर वाटर स्केयरसिटी की बात करें तो हम लोग इस टेबल पे हम लोग बैठते हैं जहाँ पे इंडिया का बहुत ही ज़्यादा लैंडमास ऑलरेडी वाटर स्केयर हो चुका है या फिर अगले आने वाले 5 सालों में वाटर स्केयर होने वाला है। अगर हम आज भी बात करते हैं अगर सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की, तो आप देखोगे कि बारिश के सीजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं इसे कि ये ओला दुष्काल, यानी कि ये वेट सूखा है, मतलब ये गीला सूखा है। और कुछ ही टाइम के बाद लगभग 3 से 4 हफ्तों के बाद ही यहाँ पे पानी का स्तर इतने ज़्यादा गिर जाता है, 600 से 700 फीट के नीचे वाटर लेवल चला जाता है। इसकी वजह से एक सेकेंड इश्यू आता है कि हम लोग फिर नाउ इनफ वाटर या फिर उतना पर्याप्त तो मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं है कि हम खेती कर पाए। तो वाटर स्केयरसिटी धीरे धीरे बहुत ही सारे एजेंसी जिसके ऊपर रिसर्च कर रही है, इनका कहना है कि अगले 5 से 10 सालों में एग्रीकल्चरल वाटर बहुत ही ज़्यादा स्केयर हो जाएगा, क्योंकि 70% से ज़्यादा फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास 1000 लीटर फ्रेश वाटर अवेलेबल है जमीन से, अगर 1000 लीटर फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसमें से 700 लीटर वाटर सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और 300 लीटर वाटर में हमारा बाकी पीना खाना बाकी सारी चीज़ें साफ सफाई या फिर घर के इस्तेमाल के लिए जाता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी यूज़ कर रहा है। यही हमने पाया जब हम अपना हाइड्रोफोनिक फार्म डेवलप कर रहे थे अगेंस्ट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में हमने पाया कि उतना बेसिल उगाने के लिए हमें लगभग 3 लाख लीटर पानी की जरूरत है, जो कि हाइड्रोफोनिक में सिर्फ और सिर्फ 12,000 लीटर में हमारा काम पूरा हो रहा था। तो इस प्रकार हाइड्रोफोनिक हमें बहुत ही ज़्यादा एक एडवांटेज देता है जहाँ पर हम लोग वाटर स्केयर है या फिर जहाँ पर पानी की मात्रा ऑलरेडी कम हो चुकी है या फिर धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सारे एडवांटेजेस की वजह से बहुत सारे लोग धीरे धीरे हाइड्रोफोनिक को चूज कर रहे हैं एक मेन एग्रीकल्चर की तरह, एक मेन एग्रीकल्चर इनकम की तरह, एक मेन एग्रीकल्चर बिजनेस की तरह हाइड्रोफोनिक को एक इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि हाइड्रोफोनिक के इस्तेमाल से हम लोग ये बाकी सारे इश्यूज जो हम फेस करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया या फिर फर्टिलाइजर हो गया या फिर लैंड यूजेज हो गया या फिर लेबर यूजेज हो गया या फिर लेबर डिपेंडेंसी होगी, इन चीज़ों को कम करके हम हाइड्रोफोनिक को एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरह रन कर सकते हैं। नाउ आगे हम देखेंगे हाइड्रोफोनिक से क्या क्या टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है और किस प्रकार का टाइप हमें यूज़ करना चाहिए।